एक गांव में एक मॉडर्न बहू रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वहां के लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या रील जैसी चीज़ों को नहीं जानते थे, पर सुमित्रा ये सब कुछ जानती थी और वह पहले से रील्स बनाती थी। सुमित्रा ने खुद को सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाने का स्थान बनाया था। वह रोजाना अपने गाँव के जीवन की कहानियों को रील्स के रूप में शेयर करती थी। सुमित्रा की कहानी शुरू होती है उसकी शादी से। जब वह अपने सास ससुर के साथ एक नए घर में आई, शुरुआत में उसे समाज में स्थान बनाने में कठिनाई हुई, परंतु उसकी लगन और मेहनत ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वह अपनी कहानी शेयर करने लगी। सुमित्रा की रील्स ने उसे न केवल स्थानीय बल्कि विशेषज्ञ स्तर पर भी पहचान दिलाई। उसकी रील्स में गांव के रंग बिरंगे त्यौहार, लोक कथाओं और उनके संवादों को दर्शाने की खासियत थी। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो गई जब उसने अपनी बेटी के साथ कॉमेडी वीडियोज भी शेयर करना शुरू किया। जब वह अपने रील्स के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंची तो उसकी बहू बनने की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ गया। उसकी मेहनत, विश्वास और आत्मविश्वास ने उसे एक सफल इन्फ्लुएंसर बना दिया। वह न केवल एक बहू और माँ होती है बल्कि एक सोशल मीडिया स्टार भी होती है। सुमित्रा की कहानी दिखाती है कि मेहनत, लगन और सहयोग से किसी भी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। वह एक उदाहरण है कि आपकी मेहनत और संघर्ष से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।